हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गायत्री और गायत्री फूड मैजिक में आपका स्वागत है। आपको तो पता ही है कि मेथी कितनी कड़वी होती है और बच्चे तो इसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आज हम मेथी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे, जिससे मेथी का कड़वा टेस्ट भी नहीं आएगा और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगेगा। तो आज हम मेथी को मटर और मलाई के साथ पकाएंगे, जिसका नाम है मेथी मलाई मटर। आप इसे मेथी मटर मलाई भी कह सकते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, नान, कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मटर को ब्लांच कर लेंगे। ये मैंने एक कप मटर लिया है, हम इसे इस पानी में डाल देंगे। ये मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है इसमें। आपके पास अगर फ्रोजन मटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें ये हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। अगर आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ब्लांच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही ब्लांच की हुई होती है। थोड़ी देर बाद देखेंगे पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मटर को हम गर्म पानी में ही सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से मटर ओवरकुक भी नहीं होता और गर्म पानी में ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। अब हम चलते हैं मेथी को थोड़ा सा फ्राई करने के प्रोसेस में। इसके लिए हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें ये 2 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे। ये मैंने एक बंच फ्रेश मेथी के पत्ते लिए हैं और इसको इस तरह से बारीक काट लिया है। अब हम इसको इस तेल में डाल देंगे। हम इन पत्तों को अच्छे से पकने तक फ्राई करेंगे। हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और इसे पकाने में हमें लगभग 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी के पत्ते नहीं हैं तो आप जो पैकेट वाली कसूरी मेथी आती है उसमें से 2 टेबलस्पून सूखी कसूरी मेथी लीजिए और उसे थोड़ी देर पानी में भिगो के फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह से आप ये फ्रेश मेथी के पत्तों को फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो भिगोई हुई कसूरी मेथी को तेल या फिर बटर में 1 मिनट के लिए फ्राई कर दीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारी मेथी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम चलते हैं इसका मसाला बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें ये 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें ये प्याज और अदरक लहसुन डालेंगे। मैंने इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। हमें इन सारी चीज़ों को तब तक पकाना है जब तक कि प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें ये 8 से 10 काजू डाल देंगे। इससे हमारी काजू अच्छे से भुन भी जाएंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। इसी स्टेज में हम इसमें ये एक टमाटर को रफली चॉप्ड करके डालेंगे और टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर के बदले दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे टमाटर अच्छे से पक चुका है। हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। देखिए ये इस तरह से मैश हो जाना चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद हम इसको एक मिक्सिंग जार में निकाल लेंगे और इसको पीस के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्राई किए हुए अदरक लहसुन प्याज और काजू को पीसते समय दही डाल के उसका पेस्ट बना लें। अब हम पीसी हुई मसालों को फिर से एक बार फ्राई करेंगे। इसके लिए हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें ये 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। ये 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 साबुत काली मिर्च और 2 तेज पत्ते। फिर इसमें ये 1 टीस्पून जीरा भी डालेंगे।
इन सारे खड़े मसालों को हम एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ये पिसे हुए मसाले डालेंगे। जार में हम थोड़ा सा पानी मिला के भी इसमें डाल देंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें थोड़े से मसाले भी डालेंगे। ये हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को एक साथ अच्छे से मिला देंगे। हम इन सारे मसालों को अच्छे से लो फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक कि ये साइड से तेल छोड़ने ना लगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसको फ्राई करने में हमें 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारा मसाला तैयार है। देखिए ये कितना रिच लग रहा है और ये कितना क्रीमी है। अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए मेथी के पत्ते डाल देंगे और ये ब्लांच किए हुए मटर भी डाल देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। लग ही नहीं रहा कि इसमें इतने कड़वे मेथी के पत्ते डले हुए हैं। ये दिखने में जितना क्रीमी और टेस्टी दिख रहा है, ये खाने में और भी ज़्यादा यमी लगेगा। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से मिल जाएं। 2 मिनट के बाद देखेंगे सब्जी अच्छे से पक चुकी है और मसाले साइड से तेल भी छोड़ने लगे हैं, मतलब कि ये अच्छे से पक चुका है। फिर हम इसमें ये 1/4 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध में जो मलाई निकलती है उसे भी इसमें डाल सकते हैं। आप दूध की मलाई लें, उसे अच्छे से फेंट लें और इसमें डाल दें। अगर आप बाजार वाली फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 कप डालें और अगर घर की मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/2 कप डालें। हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको भी हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इतना ही गाढ़ा रखूंगी। देखिए अब ये तैयार है। अब हम इसके ऊपर ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, पराठा, नान, कुलचा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।